प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लखनऊ में क्राइम ब्रांच को मिली सफलता, इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। सीतापुर में डीएम ने किया गल्ला मंडी का औचक निरीक्षण, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। सीतापुर में सहारा समूह में फंसे, रुपए वापसी की मांग, व्यापार मंडल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। सीतापुर में ट्रेन से कटकर युवक की दर्दनाक मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लखीमपुर खीरी में यातायात जागरूकता माह का आगाज, ड्राइविंग के समय नशा और मोबाइल से दूर रहें। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। डीसीपी पूर्वी प्राची सिंह के नेतृत्व में लखनऊ क्राइम ब्रांच और पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए अपहरण के बाद फिरौती न मिलने पर हत्या की वारदात को अंजाम देने वाली इनामी बदमाश राजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी हत्या के अलावा और कई अन्य मामलों में वांछित था। खबर यूपी के सीतापुर के सिधौली से है, जहां ट्रेन से कटकर एक 20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों को दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष भगवती प्रसाद गुप्ता ने सहारा समूह में निवेशकों के फंसे रुपए वापसी के संबंध में व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शिकायत पत्र लिखा है, जिसका ज्ञापन पत्र जिला अधिकारी अनुज सिंह को सौंपा है। इस मौके पर व्यापार मंडल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। फरीदाबाद के सेक्टर 7 में संदिग्ध अवस्था में युवती का शव मिला है। युवती के साथ दुष्कर्म कर आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही फॉरेंसिक और CIA की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य इकट्ठा किए हैं। गुरुद्वारे की बैक साइड में बंद गली है। शाम करीब 8:30 बजे सूचना मिली थी कि एक औरत की लाश पड़ी हुई है। जो हम मौके पर पहुँचे तो लाश वहाँ पे एक करीब करीब 30 साल की उम्र की औरत थी। वो शर्मे उसको हल्की सी चोट लगी पाई गई। उनके लिए हमने काफ़ी टीमें लगाई हुई हैं। सारा फरीदाबाद की जो CIA क्राइम और चौकी जो थाने हैं उनकी टीमें लगी हुई हैं। जल्द ही हम इसकी आइडेंटिफाइड करके और जो भी आरोपी हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की जवाबी फायरिंग में 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। बदमाश पर कई केस दर्ज हैं। पुलिस ने घायल बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश विरनो क्षेत्र में हुई लूट की वारदात में शामिल थे। कुछ दिनों पहले एक CHC केंद्र पे एक CHC संचालक से लूट की वारदात हुई थी। उसमें कुछ ही दिन न पहले दो व्यक्ति उसमें गिरफ्तार हुए थे, कुछ रिकवरी उसमें न हुई थी। उसी न के संदर्भ में एक मुलजिम जिसका नाम अभिषेक उर्फ न बंटी है, उसकी आज इस एरिया में आने की सूचना पुलिस को प्राप्त न हुई थी। उसके लिए घेराबंदी नाकाबंदी जो है वो न की गई थी। एक बाइक पे दो लड़के सवार SOG टीम और जो था स्थानीय थाना की टीम है, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश न करने पे उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी।
जमीन विवाद को लेकर पीड़ित महिला ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। साथ ही जांच को प्रभावित करने वाले एसओ जज मऊ को पुलिस कमिश्नर ने तत्काल निलंबित कर दिया। सपा विधायक की दो गाड़ियों को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जब्त किया है और प्रदर्शन की आशंका पर पुलिस आयुक्त कार्यालय पर भारी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया है। देखिए, जाजमऊ थाने पर एक पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई है कि उसके घर में उसके पड़ोसी जो इरफान सोलंकी हैं और रिजवान, इनके द्वारा और इनके कुछ साथियों के द्वारा आगजनी की गई है। इस तहरीर के आधार पर जांच कराई गई और जब तथ्य पाए गए तो उस आधार पर थाना जाजमऊ पर कल अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें विवेचना के दौरान पाए गए तथ्यों के आधार पर जो आरोपी हैं उनको उनकी तलाश के लिए पुलिस गई हुई थी। मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ कि बीती रात 3 बजे मेरे घर में कम से कम 10-15 थानों की पुलिस आई, जिसने मेरे घर को छावनी बना दिया। क्योंकि आप सबको मालूम है, हाल ही में मेरे चाचा का निधन हुआ, मैं घर पर मौजूद नहीं था। मेरे परिवार के साथ, मेरी धर्मपत्नी के साथ, मेरे बच्चों के साथ पुलिस ने बहुत बदतमीजी करी और जिसका कोई सबूत नहीं, कोई मतलब मेरा कोई कसूर नहीं, मुझे पता भी नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी बराबर मैं 2 दिन पुलिस कमिश्नर ऑफ कानपुर से मिला। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। 2 दिन पूर्व ही एक महिला ने आरोप लगाया था कि रिजवान सोलंकी और इरफान सोलंकी ने उसकी झोपड़ी में आग लगाई है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमे में मुख्य अभियुक्त इरफान सोलंकी और उसका भाई रिजवान सोलंकी को बनाया गया है। हालांकि वर्त शुरू में लापरवाही बरतने पर जाजमऊ एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें लगभग कई थानों की फोर्सों ने इरफान सोलंकी के घर पर छापेमारी की। हालांकि इरफान सोलंकी और उसका भाई मौजूद नहीं मिले। देखने वाली बात होगी कि पुलिस इस पर कब तक कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। प्राइम टीवी के लिए अनिल कुमार, कानपुर। लखीमपुर खीरी में यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि पुलिस द्वारा यातायात अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया, साथ ही पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने लोगों को रोक रोक कर लोगों से हेलमेट लगाने की अपील की और ये भी कहा कि ड्राइविंग के समय नशा और मोबाइल से दूर रहें। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करेगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी के थाना किशनी क्षेत्र में एक युवक ने 2.5 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस अधीक्षक मैनपुरी के निर्देशन में आरोपी की तलाश की जा रही थी, जिसे पुलिस ने ढंडोस नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया है। किशनी थाना अंतर्गत एक 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ कल दुराचार की घटना कारित हुई। पुलिस द्वारा को सूचना मिलने के पश्चात तत्काल चिकित्सकीय उपचार बच्ची को दिलाया गया और अभियोग पंजीकृत कर घटना में आरोपी जगमोहन यादव उर्फ इतवारी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अन्य गतिविधियों की जानकारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मूर्तियों के तोड़े जाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक ऐसा ही मामला प्रयागराज से आया है, जहां करछना थाना क्षेत्र के चुप्पेपुर गांव में अराजक तत्वों ने विद्युत कटौती के बाद संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़कर खेत में फेंक दी। आपको बता दें कि ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल था। बीते वर्ष की अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की गई थी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सराफा कारोबारी से हुई लाखों रुपए की लूट की घटना का स्थानीय पुलिस ने खुलासा करते हुए मुठभेड़ में घायल शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल रायबरेली में भर्ती कराया है।
खबर यूपी के सीतापुर से है, जहां डीएम मनोज सिंह ने नवीन गल्ला मंडी में चल रही धान खरीद का औचक निरीक्षण किया। वहां व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, जो भी किसान अपना धान विक्रय करने आए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए एवं धान खरीद में किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना की जाए। आज मेरे द्वारा पीसीएफ और मंडी के केंद्रों का निरीक्षण किया गया। कुल 3 केंद्रों का आज मैंने निरीक्षण किया। वहाँ पे जो मौजूद किसान थे, उनसे मैंने वार्ता भी किया, तो किसी के द्वारा किसी विशेष समस्या का जिक्र नहीं किया गया। जो उनकी क्लीनिंग वगैरह के लिए जो उनके चार्ज लिए जा रहे, उसके भी विषय में पूछा गया। किसी के द्वारा कोई शिकायत संज्ञान में नहीं लाई गई। रिकॉर्ड्स का भी मैंने अवलोकन किया और धान का क्रय हमारे यहाँ पे सुचारू रूप से चल रहा है और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना ही हम किसान को आने देंगे और ना ही अभी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में दुकानें बंद करने के जारी किए आदेश, तो ताजगंज व्यापारियों ने दोबारा सुनवाई की अपील की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अपने फैसले को वापस लिया है। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण को जारी नोटिस वापस लेने के आदेश जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से दुकान संचालकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ताजगंज व्यापारी ढोल नगाड़े बजाकर जगह जगह पर मिठाइयां भी बांटते नजर आए। आज जो हमारे 24 अक्टूबर को जो दिवाली थी, वो दिवाली हमारी काली दिवाली थी। जो आज दिवाली है, वो रियल हमारी दिवाली है। हम वेंटिलेटर से उठकर सीधे दौड़ लगा रहे हैं। आज का दिन हमारे लिए दिवाली नहीं बल्कि डबल दिवाली है, क्योंकि जब दिवाली का रोज था तब बड़े मायूस थे लोग। आज के दिन लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे कि जीवन में पहली बार इतनी बड़ी, इतनी बेहतरीन दिवाली हमारे सामने आई है। उसका कारण है हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी, जिनके खासा ध्यान देने पे लगता है हमें कि सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की राहत मिली है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश आया था, एडीए ने गुमराह करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा प्रस्ताव पास कराया जिससे कि ताजगंज के व्यापारियों के पेट में लात पड़ने का उस स्थान पर आ गए थे। उन लोगों ने काली दिवाली के रूप में मनाया, लेकिन ताजगंज के व्यापारियों ने एक राय होकर अपना संघर्ष कहा, उच्च न्यायालय में अपनी बात रखी और आज जो आज हम लोग दिवाली मना रहे हैं, बड़े जश्न के साथ सारे व्यापारियों के जो खुशी आप देखने को मिल रही है, वो निश्चित ही हमारे लिए दिवाली से बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों का जो रोजी और रोजी का संकट आ गया था, रोजी रोजगार का संकट आ गया था, उसको आज हम उच्च न्यायालय से हमारे फेवर में जो अध्यादेश आया है, उसका हम माननीय आपके सारे जनप्रतिनिधियों का, शासन प्रशासन के लोगों का और सर्वोच्च न्यायालय का हम आज आभार व्यक्त करते हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।